हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। क्रैक ऑल यूपीएससी सीएससी एग्जाम्स विद अस, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अपना एग्जाम यूपीएससी सीएससी क्रैक करें विद प्लस सब्सक्रिप्शन। यू कैन गेट अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम बेस्ट एजुकेटर्स, राइट। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एसेस, अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस आपको यहां पर अवेलेबल होती है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और इससे आप स्पेशल लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, राइट। स्पेशल लाइव क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हैं। माय नेम इज शशेंद्र तिवारी। I completed my degrees from CSIS Industrial Merit. I am Faculty of Geography, Environment and Strategy. I have experience of more than 7 years. I have taught in many different institutes of Mukherjee Nagar and Rajendra Nagar. ये मेरा Telegram channel है अनअकैडमी तिवारी। आप लोग इसको follow करें, यहाँ पर मेरे से आप जुड़ सकते हैं। Good evening everyone. Prepare with 100 plus top educators. 100 plus top educators के साथ prepare करने का मृणाल पटेल सर, रोमन सैनी सर हैं, आयुष संघी सर, इन सभी के साथ आपको प्रिपरेशन करने का चांस मिलता है विद अ प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ आप इन सभी फैकल्टीज के एजुकेटर्स के साथ अपनी स्टडीज को कैरियर ऑन कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज में 15,519 प्लस कोर्सेज फॉर यूपीएससी सीएससी हैं। यहाँ पर आप कंप्लीट जीएस प्लस ऑप्शनल का स्टडी कर सकते हैं ओनली विद प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन के पैटर्न क्या है? 1 month 8,000, 3 months 20,000, 6 months 36,000, 12 months 44,000. These are the subscription pattern you can opt anyone, right? As per your choice. Plus subscription में live classes, testries, unlimited practice and instructor schedule ये सभी components मिलेगा। 12 months के लिए 44,000, S&T1 code use करना 10% discount 39,600, 24 मंथ्स के लिए 64,000, S&T1 कोड यूज करने से 10% डिस्काउंट 57,600 में 2 ईयर का प्लान आपका सब्सक्राइब प्लस कोर्सेज में। आइकॉनिक कोर्सेज की अगर बात करते हैं तो आइकॉनिक कोर्सेज में पर्सनल कोर्स, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज्ड फीडबैक, ये सभी कंपोनेंट्स भी है जिसमें पर्सनल कोच और क्वेश्चन मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 मंथ्स का कोर्स आप यहां 64,000 में और डिस्काउंट कोड मेरा S&T1 यूज करने से आपको 57,600 का चार्जेबल होगा। 24 मंथ्स यानी 2 ईयर के लिए आप 99,000 आपको पे करना है, लेकिन डिस्काउंट कोड मेरा S&T1 यूज करने से 89,100 पे करना होगा। हमारा टॉपिक है आज ट्रांसपोर्टेशन का सेकेंड पार्ट। वी आर स्टडिंग सेकेंड पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? वेरी वेरी गुड इवनिंग राम कुमार जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, यू आर वेलकम टू द लेक्चर, मोस्ट वेलकम एवरीवन। आयुष कुमार राम, रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिफाइन हियर व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन रेफर्स टू कैरिंग द गुड्स और पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। कैरिंग गुड्स और पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, राइट। रोड ट्रांसपोर्ट और द रोड ट्रांसपोर्टेशन इज अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय यूजिंग रोड्स। रोड्स का यूज करके जब हम क्या करेंगे, प्लेस ए से प्लेस बी तक गुड्स को या पैसेंजर्स को कैरी करके ले जाते हैं, तो उस समय वो राइट ए टू बी अगर हम रोड्स के थ्रू जाएंगे तो रोड ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑन रोड्स कैन बी रफली ग्रुप्ड इनटू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल। रफली हम गुड्स और पीपल को ट्रांसपोर्ट करते हैं इसमें। वेरी वेरी गुड इवनिंग पल्लवी गर्ग जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। अंकिता सिंह गुड इवनिंग। उत्कर्ष पांडे जी गुड इवनिंग, नमस्कार। तो गुड्स एज वेल एज व्हाट पीपल आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय द मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन। रोड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम मूव करेंगे। मूवमेंट अलोंग रोड्स मे बी बाय बाइक,
ऑटोमोबाइल, ट्रक और बाय एनिमल सच एज हॉर्सेज और ऑक्शन। रोड्स के थ्रू हम हॉर्सेज से भी तो पहले चलते थे, अभी कम हो गया है, लेकिन पहले रोड ट्रांसपोर्ट में हॉर्सेस को बड़े लेवल पर यूज किया जाता था। ठीक है, ऑक्सन मीन्स बैल वगैरह का यूज करके भी हम यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। रोड ट्रांसपोर्टेशन का एक सीन यू कैन सी अ इवनिंग व्यू, यू कैन सी एन व्हाट, यू कैन सी एन इवनिंग व्यू ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन, मेनी टाइप ऑफ व्हीकल्स मूविंग हेयर, दिस इज ऑल्सो द व्हाट व्यू ऑफ द रोड ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज द रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, इंडिया के सिस्टम में आप देखेंगे। नाउ इन रोड ट्रांसपोर्टेशन द वेरी इंपॉर्टेंट इज द नेशनल हाईवे, राइट। नेशनल हाईवे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल हाईवे क्या है एक्चुअली, इट इज रेगुलेटेड बाय NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेट्स एंड डील द व्हाट नेशनल हाईवे काइंड ऑफ रोड। रोड goes in what multi cities or multi states, yes, in animals camel also, you are Dubai, you are right, camels were also used for the purpose of right now to somewhere in the villages, especially related to the Rajasthan, the camels are being used for the purpose of transportation even today. Even today, right? You are absolutely right. So in National Highways, National Highway 44, this is the actually longest national highway of India. This is the what? Longest national highway of India. Previously known as National Highway 7. पहले नेशनल हाईवे 7 जो था, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश, इट वाज लोकेटेड बिटवीन वाराणसी उत्तर प्रदेश टू कन्याकुमारी कैप कमोरिन, जो आपको तमिलनाडु के पास में, यहां से लेके यहां तक ये एक्सटेंडेड था। नेशनल हाईवे 7 NH7 वाज द लॉन्गेस्ट प्रीवियसली, बट टुडे व्हाट, नेशनल हाईवे 44 इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। इट इंटरलिंक्स, इट ज्वाइंस व्हाट श्रीनगर विद कन्याकुमारी राइट नाउ। जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर था उसको नेशनल हाईवे 44 के नाम से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। नाउ नेशनल हाईवे 44 NH44 इज द व्हाट लॉन्गेस्ट रनिंग नेशनल हाईवे इन इंडिया। इट इज 3745 किलोमीटर लॉन्ग एंड कवर्स द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ऑफ इंडिया। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ऑफ इंडिया नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो चल रहा है अभी, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसमें ये इतना लेंथ को कवर करता है। दैट इज द नेशनल हाईवे 44, दैट इज द व्हाट नेशनल हाईवे 44। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द श्रीनगर इन नॉर्थ एंड एंड्स एट द कन्याकुमारी इन द साउथ। कन्याकुमारी साउथ में जहां है वहां एंड होता है। एंड द नेशनल हाईवे 118, इससे पहले 47A was the smallest national highway in India, but now national highway what 118 is the smallest. National highway 118 along with the national highway 548 are the shortest national highway in India. National highway 118 connects the towns Hasan Bani and Jamshedpur in the स्टेट ऑफ झारखंड। आसनबानी टाउन है, जमशेदपुर सिटी है, टाटा नगर जिसे कहते हैं आज के डेट में, इनको कनेक्ट करता है इन द स्टेट ऑफ झारखंड, रनिंग फॉर अ डिस्टेंस ऑफ ओनली अबाउट 5 किलोमीटर। और जो 47 की हम बात कर रहे हैं, 47A, इसका लेंथ अराउंड 6 किलोमीटर था। The smallest national highway is what 118 right now. You can see this is the Srinagar to what Kanyakumari north south corridor, what has been considered right now as what longest national highway of India. This is the longest national highway of India.
लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे की फॉर्म में आपको ये कंसीडर किया जाता है, और झारखंड में स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे आसनबानी टू जमशेदपुर लाई करता है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। नाउ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, राइट, नाउ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है एक्चुअली? इट कनेक्ट्स द इंडियाज मेट्रोपॉलिटन सिटीज। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज द वर्ड कनेक्शन ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज टू नेशनल हाईवेज, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। इट इंटरलिंक्स द वर्ड मिस्टर वाजपेयी 2003 एक्चुअली अनाउंस्ड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। राइट नाउ इट इज द रनिंग प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट ऑफ द कंट्री। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट कंट्री का है, जिसे हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, राइट, वी कॉल इट व्हाट, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो इट कनेक्ट्स द वर्ड मेजर सिटीज ऑफ इंडिया एज वेल एज, है ना, मेजर सिटीज को तो कनेक्ट करता ही है, एज वेल एज फोर लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया और द मेट्रोपोलिटन सिटी ऑफ इंडिया, मेगापोलिस भी कह सकते हैं, राइट, दिल्ली, वन इज द दिल्ली, सेकेंड मुंबई, राइट, देन चेन्नई एंड फाइनली कोलकाता। ये सभी क्या है हमारा मेट्रोपोलिशन मेट्रोपोलिटन सिटीज, इनको कनेक्ट करता है। एंड ऑन द वॉट, ऑन द ट्रैक देयर इज ऑल्सो मेनी ऑफ द सिटीज, लाइक जयपुर इस पर लोकेटेड है। क्या है बेटा? जयपुर है, उदयपुर है, समझ रहे ना, जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, सूरत, दीज आर ऑल्सो द बिगर सिटी ऑफ इंडिया, बिगर सिटी ऑफ इंडिया। हेलो एवरीवन, हेलो सिमरन। क्लास में हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं, पहले इसको देखिए आप लोग, है ना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट को हम लोग यहाँ फोकस कर। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता एज वेल एज मेनी इंपॉर्टेंट सिटीज लाइक भुवनेश्वर, पुरी, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, मछलीपट्टनम, चेन्नई, तिरुपति, ये सभी रीजन्स क्या है यहाँ पर, इसके साथ कनेक्ट होता है। इवन द बेंगलुरु रीजन, है ना, ये सभी बेंगलुरु देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, बेंगलुरु है, उसके बाद पुणे है, सोलापुर वगैरह, ये सभी क्या है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। यहाँ देखेंगे अलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, है ना, आगरा, वाराणसी, यहाँ पर अलाहाबाद है, ठीक है। तो ये सभी सिटीज भी, बक्सर वगैरह बिहार में है ना, बक्सर है, तो ये सभी सिटीज, वाराणसी, सॉरी वाराणसी, दिस वन इज वाराणसी, अलाहाबाद, है ना, दीज ऑल सिटीज आर लोकेटेड ऑन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, व्हाई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड, व्हाई दिस क्वाड्रिलेटरल फॉर्मिंग थ्रू ज्वाइनिंग ऑफ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता एज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। Every live learner, whatever the live learner lying right now with me, my question is why this quadrilateral formed by joining the Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata is called golden quadrilateral? Why this is golden quadrilateral? Why this is called golden quadrilateral? This is my question. A quadrilateral formed by joining the metropolitan cities of India, that is Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. Why this quadrilateral is called golden quadrilateral? Agar meri baat aap log sun rahe hain to reply karein, why this is called golden quadrilateral? It is called, according to me, it is called golden quadrilateral Delhi, Mumbai, Chennai as well as Kolkata and Allahabad, Agra, Banaras ho gaya, Jaipur, Ahmedabad, Udaipur, ye sabhi cities hai, Pune hai, Hubli, Bangalore, Mumbai, Chennai, Vijayawada, Machilipatnam, भुवनेश्वर, ये सभी सिटीज इस पर लाई करती हैं। डोंट नो सर,
big highway. Ankita Singh, it connects major industrial cities. Very good. Pallavi Gar, don't know, sir. It connects Rajesh Rivain. It connects all the major cities. Yes. बेटा देखिए, मैं जनरली देखता हूँ कि YouTube पर जो लर्नर्स जुड़े हुए हैं, ये मुझे आज करीब 2 महीना पढ़ाते हुए हो गया है. देन ड्यू टू सम स्पेसिफिक फीलिंग, आई वुड लाइक टू शेयर वन पॉइंट हियर, कि सीरियसली आप लोग क्लास को अटेंड करिए. अगर सीरियसली क्लास को अटेंड करेंगे, आपने जिसने बच्चों ने भी यहाँ पर आंसर दिया, अभी मनीषा यादव ने आंसर दिया और सभी ने, जो आंसर आप सभी ने दिया वो गलत नहीं है, बट दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट. दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग एज पर द डिमांड ऑफ यूपीएससी. व्हाट इज द नीड ऑफ यूपीएससी? नीड टू फुलफिल दैट. यू मस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ यूपीएससी. आपको, आप जब यूपीएससी की डिमांड को फुलफिल करेंगे, तब यूपीएससी आपकी डिमांड को फुलफिल करेगा. मनीषा यादव, करेक्ट, ऑल मेट्रोपॉलिटन सिटीज आर कनेक्टेड इन द क्वाड्रिलेटरल. लुक हियर, एवरीवन इज राइट हियर. सभी सही हैं, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट गोल्डन मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट. Golden means most important, right? Most significant, most important, most significant. In what way? Actually, it connects. Those cities of India which regulates almost 2% economic, political spheres of the country. Am I right? Major resources covered within the same. I would like to say social spheres, economic spheres and political spheres of the country are largely associated with these metropolitan as well as metropolitan cities as well as the large big cities of the India. India ka jo large city hai, jo big city hai, samajh rahe ki nahi samajh rahe? जो कि इंडिया के सोशल स्फीयर को, सोशल स्फीयर का मीनिंग क्या है, एजुकेशन, रिलीजन, सेक्स रेशो, जेंडर कंपोनेंट्स, ये सभी चीजें है ना, क्या है, सोशल कंपोनेंट्स में आएगा. इकोनॉमिक स्फीयर्स का मतलब है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स का रोल. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, रोल ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर्स. पॉलिटिकल स्फीयर्स मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज लोकल गवर्नमेंट, है ना. तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल स्फीयर्स में ये सभी टाइप की जो गवर्नमेंट्स है, उसमें इन सभी सिटीज का बहुत बड़े लेवल पर रोल होता है. देयर इज ह्यूज रोल ऑफ दीज ऑल सिटीज. नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, बट ऑल द सिटीज, ऑल द मेजर सिटीज एज वेल एज द मेट्रोपोलिटन सिटीज लोकेटेड ऑन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल.
located on this particular quadrilateral having potentiality to maintain the political sphere of the country, economic sphere of the country, and social sphere of the country. Every kind of spheres of the country can be regulated, can be maintained by the what? This quadrilateral. Actually, kya hai? It connects those all major cities as well as the metropolitan cities, which is responsible for regulation of the social, economic, and political sphere of the country. Social, economic, and political sphere of the country. Agar aap ye kahenge it connect the major cities, ye galat to nahi keh rahe, lekin kya wo baat appropriate hai? UPSC ka jo question hai, why the quadrilateral forming through joining the Delhi, Mumbai, Chennai, and Kolkata termed as golden quadrilateral, to aapka answer kya sufficient hoga? It connects the major cities or the metropolitan cities. Beta, aapko usko elaborate karna hoga. You will have to elaborate. Yehi cheez main aapko yahan sikhana chahta hu. Lekin aap kya karte hain? Ek minute mein jump kiya, YouTube channel par aa gaye, fir uske baad jump kiya to kahin aur kood ke pahunch gaye. This is not the strategy. This is not the fair for your future as well as your study system. वो ठीक नहीं है बेटा, तो क्या करें? जब यहां रुकेंगे तभी तो मैं आपको चीजों को एक्सप्लेन करूंगा. मैं ये कहता हूं कि मेरे पढ़ाने से, मेरे एक्सप्लेनेशन से आप आईएएस नहीं बनोगे, लेकिन आपको हेल्प जरूर मिलेगी. यू विल गेट नेसेसरली हेल्प by understanding these all components. So golden quadrilateral is called the golden quadrilateral as it assists every socio-economic political spheres of the country. It regulates these all the cities, metropolitan as well as the major cities of the country. India, located on this quadrilateral, regulates the socio-economic and political scenario, political spheres of the country. That's why known as golden quadrilateral. बेटा समझ में आया? जितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आप पूछते हैं कहां से पढ़ रहे हो? पुणे यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो. कहां से पढ़ रहे हो? मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना. कहां से पढ़ रहे हैं? अहमदाबाद स्टडी कर रहे हैं. कहां पढ़ रहे हैं भाई? यूपीएससी की प्रिपरेशन दिल्ली में कर रहे हैं. आईएएस बन के कहां से आ गए? दिल्ली से प्रिपरेशन किया. फिर आईएएस का प्रिपरेशन कहां किया? इलाहाबाद से किया, चेन्नई से किया, हैदराबाद से किया. तो ये सब क्या है? मेजर सिटीज. दोस ऑल आर लोकेटेड मेट्रोपॉलिटन का मतलब जिसका पॉपुलेशन बेटा अराउंड 50 लाख प्लस है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज कहते हैं उसको. पल्लवी गर्ग, यस सर. देवांशु रावत, व्हाट इज मेट्रोपॉलिटन? देवांशु, इज गेटिंग और नॉट? मेट्रोपॉलिटन क्या है, समझ में आ गया? अ सिटी हैविंग पॉपुलेशन मोर देन 50 लाख, दैट इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन सिटी. क्वेश्चन पूछ लिया और उसका जवाब नहीं मिला अभी ना. व्हाट इज मेट्रोपॉलिटन सिटी आस्क्ड बाय देवांशु रावत. यही है कि आप लोग क्या है, क्वेश्चन पूछते हैं इतनी देर में तो कहीं और पहुंच जाते हैं. इट्स ओके नाउ. सो दिस इज ऑल अबाउट, यू मस्ट बी केयरफुल. आईएएस बनने वाले का जो क्वालिटी होता है, उस क्वालिटी को पहले फुलफिल करिए, है ना. प्रिपरेशन, पढ़ाई तो बेटा कोई भी कर लेगा. फुलफिल का मतलब है यू मस्ट बी रेगुलर, यू मस्ट बी पंक्चुअल, यू मस्ट बी केयरफुल, यू मस्ट बी व्हाट? पंक्चुअल, यू मस्ट बी पॉपुलर, एंड यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट ईच एंड एवरी मूवमेंट. तभी मूवमेंट को आप क्या करेंगे, वहां पर देखेंगे, समझेंगे. तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्या कंसर्न है उसको आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं. द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज अ नेशनल हाईवे नेटवर्क कनेक्टिंग मोस्ट ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड कल्चरल सेंटर्स ऑफ इंडिया. देखिए बेटा, तो हाईवे नेटवर्क कनेक्टिंग मोस्ट ऑफ द मेजर, आप सिर्फ इंडस्ट्रियल की बात कर रहे थे,
एग्रीकल्चरल का पॉइंट डिस्कस नहीं कर रहे थे, कल्चरल सेंटर्स की बात नहीं कर रहे थे, पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहे थे। जब ये सब बातें करेंगे तब मजा आएगा ना पढ़ाई में। इट फॉर्म्स अ व्हाट क्वाड्रिलेटरल कनेक्टिंग द फोर मेजर सिटीज, फोर मेट्रो सिटीज, फोर मेजर मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया, दैट इज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। इसके बाद में हम लोग देखते हैं, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा मेंस में, व्हाई द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, व्हाई द क्वाड्रिलेटरल फॉर्मिंग थ्रू व्हाट, फॉर्मिंग थ्रू ज्वाइनिंग द नॉर्थ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, कॉल्ड एज अ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्यों कहते हैं, क्वेश्चन आपसे बेटा पूछा। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इज व्हाट, दैट इज नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 44 इज पॉपुलरली नोन एज नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। श्रीनगर एंड कन्याकुमारी आर द टर्मिनल स्टेशन ऑफ द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का जो टर्मिनल स्टेशन है, ये देखिए यहाँ पर, ये है बेटा श्रीनगर, है ना, और ये क्या है, कन्याकुमारी है। तो यहां से लेके ये टर्मिनल स्टेशन ही हुए, टर्मिनल मतलब ये लास्ट यहाँ का है, इधर ये साउथ का लास्ट हो गया, तो टर्मिनल स्टेशन की फॉर्म में ये लाई करते हैं। दिस इज द व्हाट, श्रीनगर, और यहाँ पर क्या है, लुक हियर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स, राइट। इसमें क्या है, श्रीनगर एंड कन्याकुमारी आर द टर्मिनल स्टेशन ऑफ द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। इसके बाद में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्या है बेटा, व्हाट इज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, सिलचर एंड पोरबंदर आर द टर्मिनल स्टेशन ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर का टर्मिनल स्टेशन क्या है, सिलचर कहा है बेटा, सिलचर, सिलचर इन व्हाट, वेस्ट बंगाल, सॉरी नॉट वेस्ट बंगाल, असम, असम में सिलचर है, और पोरबंदर क्या कहा है, गुजरात। वेयर इज पोरबंदर, इट इज इन गुजरात, और असम में क्या है आपका, सिलचर है। सो सिलचर एंड पोरबंदर आर द टर्मिनल स्टेशन ऑफ द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। झांसी इज द जंक्शन ऑफ बोथ कॉरिडोर, दोनों कॉरिडोर का जंक्शन क्या है, लुक हियर, ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो जाता है बेटा, और ये क्या है, पोरबंदर, और असम में यहां पर सिलचर है, ठीक है, असम में सिलचर है। तो सिलचर और असम, पोरबंदर टू असम और श्रीनगर टू कन्याकुमारी के जो इंटरफेरेंस, जो कटिंग होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट इज झांसी इन उत्तर प्रदेश। तो इफ इन यूपीएससी देयर वुड द क्वेश्चन, भाई कहां से नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहां इंटरसेक्ट करता है, सो दीज टू कॉरिडोर्स इंटरसेक्ट एट झांसी इन उत्तर प्रदेश। झांसी इन व्हाट, पोरबंदर इन गुजरात एंड सिलचर असम में है, ठीक है, झांसी का है उत्तर प्रदेश में, और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल देख सकते हैं यहां पर कौन कौन से सिटीज हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में, जो लॉन्गेस्ट इंडियन नेशनल हाईवे 2018। इसके बाद नेशनल वाटरवेज पर आते हैं बेटा, नेशनल वाटरवेज, देयर आर 111 आर्टिफिशियली नोटिफाइड इनलैंड नेशनल वाटरवेज इन इंडिया, आइडेंटिफाइड फॉर द पर्पसेस ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एज पर द नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 के, है ना, 2016, here listen everyone, in 2016 the National Waterways Act 2016 announced officially 111 National Waterways in the country.
Right. Officially, there are 111 national waterways in the country. It is as per the National Waterways Act 2016 mein National Waterways Act ke through 106 national waterways have been added. 106 national waterways have been added to the country. Out of 111 national waterways, 106 were created in 2006. Hai na, 106 kab create hua? 2016 mein. The national waterway network covers around 20,275.5 kilometer. Ye national waterways ka connection hai, coverage hai jo cover kiya hua hai. Right, so there are what 111 officially according to the National Waterways Act 2016, and out of 111, 106 national waterways were created in 2016. Total length national waterways ka humne bataya 20,275.5 kilometers. This is a total length. Total length of the national waterways. National waterways in India ke agar baat kare to abhi tak 5 kya hai already official aur saath mein ground on the ground bhi hai. The first one is National Waterways 1 is on Ganga. River Ganga par hai. National Waterways 2 on the Brahmaputra. National Waterways 3 West Coast Canal केरल में, National Waterways 4 East Coast Canal है ना, East Coast Canal इसमें कई सारी रिवर का भी कनेक्शन है, जैसे कृष्णा रिवर है ना, कावेरी है, फिर उसके बाद में ब्राह्मणी रिवर पर और साथ में आपको हुगली के साथ में रिवर्स को National Waterways 5 क्रिएट किया गया है. तो these are the National Waterways are in functioning right now. ये functioning conditions में लाई करते हैं. तो the first one is the National Waterways 1, 2, 3 are already operational. Ye operations mein chal raha hai. These are already operational. Cargo as well as passenger cruise vessels are plying on the what? These waterways. So, yahan par cargo, passenger aur cruise vessels jo hain, ye sabhi 1, 2, 3 par chal rahi hai. Matlab, Ganga, ब्रह्मपुत्र और वेस्ट कोस्ट कनाल पर ये सभी चल रहे हैं कंटीन्यूअस. डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर बोलते हैं शॉर्ट में. डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल वाटरवेज 4-5 वाज कंप्लीटेड इन 2010 में. डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट नेशनल वाटरवे 4 और 5 का कंप्लीट हो गया है. द डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ नेशनल वाटरवेज 5 was updated in 2014 mein usko update kiya gaya. Right, for the newly declared 106 national waterways, techno economic feasibility studies have been initiated. Matlab techno economic samajhte hai na, ki technology aur economic paisa hai na, money aur technology ka jo feasibility hai uski study start kiya gaya hai. Abhi to koi functioning mein nahi hai na, operation mein hai. Neither operational nor in functioning, but techno-economic feasibility studies have been initiated. तो वो चीज start कर दी गई है. समझ में आ रही बेटा सभी को? समझते हुए चलना कि जो 106 national waterways were declared in 2016 by the National Waterways Act 2016, the National Waterways 2016 Act ke through jo create kiya gaya hai, samajh rahe ho na? National Waterways Act 2016 ke through 106 National Waterways declare kiya gaya hai. Us par techno-economic, matlab technology and money, hai na? Ki feasibility ki humare paas kitni chhamta hai, kya power hai na? Uski study beta start ho gayi hai.
study has initiated. The first one is National Waterways 1. The National Waterways 1 or the NW1 or the Ganga Brahmaputra Hugli, sorry, Ganga Bhagirathi Hugli River system is located in India and runs from Haldia toward Prayagraj. Prayagraj matlab Allahabad. Allahabad se lekar Haldia tak iska performance chal raha hai. Right? The National Waterways 1 or the National Waterways 1 Ganga Bhagirathi Hugli river system is located in India and runs from Haldia to Prayagraj across the Ganges Bhagirathi Hugli river system. Ganga Bhagirathi Hugli river system mein sea routes. Sea routes transportation on river, it is what? On river, inland water transport or national waterways, and in case of ocean, it is what? Sea routes. Sea route transport system, also known as sea route transport system. Aniket Sankar. It is 1620 km long, making it the longest waterways in India. So, national waterways kya hai? Longest national waterways India ka hai? Kuch log abhi pooch rahe the. Longest ya largest national waterways in the country, in our country is what? National Waterways 1. National Waterways 1 is the longest national waterways. 1620 km long iska length hai. 1620 km length iska hai, making it the longest national waterways in the country. National Waterways 2. National Waterways 2 is a section of the Brahmaputra River having a length of 891 km between the Bangladesh border near Dhubri and Sadia in Assam. ये देखेंगे ये तो बेटा धुबरी है यहां पर और ये यहां सदिया है. सदिया सदा पॉपुलर क्या है? डिब्रूगढ़, नियर डिब्रूगढ़. नियर डिब्रूगढ़ तो धुबरी बांग्लादेश बॉर्डर के पास में, सदिया असम में, कहां? नियर डिब्रूगढ़ इन असम. नेशनल वाटरवेज 3 की बात करेंगे. द वेस्ट कोस्ट कैनल और द नेशनल वाटरवेज नंबर 3 इज 168. इट हैज इंक्रीज्ड अप टू नाउ 200 किलोमीटर. राइट. स्ट्रेच ऑफ दिस इनलैंड नेविगेशनल रूट located in Kerala. Kahan located beta? Kerala mein hai. Right. India and runs from Kerala, India mein located hai, and runs from Kollam. Kollam ek jagah hai. Yahan par Kollam beta. Theek hai. Are Kottapura mein. Kollam to Kottapuram and was declared a national waterways in 1993 mein isko national waterways ki form mein declare kiya gaya hai. National Waterways 4. National Waterways 4. The National Waterways 4 is 1095 km long. 1095 km long hai, lagbhag 1100 km. Waterway in India, it has been declared as an Indian national waterway. It has been declared as an what? It has been
डिक्लेयर्ड एज एन वॉट नेशनल वाटरवे एंड इज करेंटली अंडर डेवलपमेंट. ये क्या है? डेवलपमेंट प्रोसीजर में रन कर, इट इज अंडर द डेवलपमेंट प्रोसीजर. इट कनेक्ट्स द स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स ऑफ द तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी. तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी. Four regions are interconnected by the National Waterways 4. The next one is National Waterways 5. National Waterway 5 is one of the 6 national waterways in the India, and it covers the state of Odisha and the part of West Bengal. Odisha or West Bengal mein lie karta hai. It runs a total of 6, total length of 623 kilometers. Of which 91 kilometer is within what? West Bengal, and the remaining 532 kilometer Odisha. Odisha mein 532 hai aur 91 kilometer kisme hai West Bengal mein. It was declared a national waterways in November 2008. Lekin abhi operational nahi hai. It is not operational. National waterways 4 and 5 are not operational. Only national waterways 1 to 3 are operational. आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, यूपीएससी ने 2016 में पूछा हुआ है. इन 2016 मेंस एग्जाम यूपीएससी आस्क्ड द क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ इनलैंड water transport in country India mein inland water transport ki problems aur prospects ko batana hai. We like to give the answer. To discuss question related to this particular answer of the question is, can be actually there are two types of river in India. Ek hai Himalayan river, dusra hai peninsular river. Himalayan rivers are perennial and peninsular rivers are non-perennial. Perennial rivers having huge amount of load. Huge load और इसके पास में लोड कम है. नॉन पेरिनियल मतलब दीज आर द सीजनल रिवर्स, डू नॉट फ्लो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल फ्लो नहीं करता. तो इट बिकम्स एज अ वॉट प्रॉब्लम फॉर क्रिएशन ऑफ नेशनल वाटरवेज इन पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया. इट बिकम्स वॉट अ प्रॉब्लम इन वॉट It becomes as a problem seasonally rivers flow करेगी तो यहां पर भी आपको water flow continuous अगर नहीं होगा तो national waterways बनाने में difficulties आएगी. Second point बताऊंगा peninsular region का ही मैं यहां पर, कि in peninsular region there is hard rocks है ना, उसको कट करना बहुत टफ हो जाता है. राइट, इफ वी टॉक अबाउट द हिमालयन रीजन की अगर हम बात करते हैं, इन हिमालयन रीजन रिवर्स आर पेरेनियल, वेरी गुड इंडिकेशन. बट द सेकंड पॉइंट रिवर्स कंटेन ह्यूज लोड.
rivers contain huge load. Rivers के पास load बहुत ज्यादा होता है ना, रिवर के पास लोड ज्यादा है, लोड ज्यादा होने से क्या प्रॉब्लम होगी, यहां बताता हूं क्या प्रॉब्लम होगी। लोड रिड्यूसेस, लोड डिपोजिशन ऑन रिवर बेड, ऑन रिवर बेड रिड्यूसेस व्हाट, लोड डिपोजिशन ऑन रिवर बेड रिड्यूसेस डेप्थ, सो नीड कंटिन्यूअस डीपनिंग, सो नीड कंटिन्यूअस डीपनिंग। नेक्स्ट पॉइंट, वन ऑफ द स्टूडेंट हियर सेइंग दैट टेक्निकल इनएफिशिएंसी इन आवर कंट्री थिंक मेन रीजन, टेक्निकल इनएफिशिएंसी टू, टेक्निकल इनएफिशिएंसी टू एंड बियॉन्ड द टेक्निकल देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ, देयर इज इशू ऑफ कैपिटल मनी, देयर इज इशू ऑफ कैपिटल एक्चुअली, देयर विल हैव टू क्रिएट, देयर वी विल हैव टू क्रिएट व्हाट, लार्ज डैम्स, लार्ज डैम्स फॉर कंटिन्यूटी ऑफ वॉटर इन रिवर थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर हमें वॉटर कंटिन्यूटी अगर करना है तो वहां पर यह चीजें जरूरी है, है ना, डैम्स बनाना होगा। एंड फॉर द फॉर क्रिएशन ऑफ डैम देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ बिलियंस ऑफ रूपीज, देयर इज नीड ऑफ बिलियंस ऑफ रूपीज, तो मॉनेटरी इश्यू हो जाता है। अभी जैसा कि आपने देखा, हमने ये पॉइंट फोकस करिए, फॉर द न्यूली डिक्लेयर्ड 106 नेशनल वाटरवेज टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडीज हैव बीन इनिशिएटेड, ये समझिए, सो देयर इज द इशू ऑफ टेक्नोलॉजी एज वेल एज इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, फाइनली इन्वायरमेंटल कंडीशंस या क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक इन्वायरमेंटल में क्या है, पेनिनसुलर रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स आर नॉन पेरेनियल, रॉक्स बेड रॉक इज वेरी हार्ड, बेड रॉक इज वेरी हार्ड, एक पॉइंट ये हो जाता है। और हिमालयन रीजन में लोड्स, लोड इज मोर, मतलब लोड का मतलब सेडिमेंट, there is huge amount of sediment in the world. Aniket Shankar, political challenges and financial challenges too. हाँ, financial का मतलब तो बेटा economy की हो जाता है, but you are correct, political challenges also. The government do not have strong will to implement the acts, laws, अरेंज प्रॉपर मनी टेक्नोलॉजी, प्रॉपर मनी टेक्नोलॉजी के लिए और जो फंड है ना, उसको अरेंज करने के लिए गवर्नमेंट के पास स्ट्रॉन्ग विल नहीं है। स्ट्रॉन्ग विल हो पब्लिक वेलफेयर, जब सिटीजन्स का वेलफेयर माइंड में होगा, तो ऐसे केसेस में ये सारे प्रोजेक्ट्स फुलफिल होंगे, है ना। तो प्रॉस्पेक्ट्स तो इंडिया में बहुत है, देयर इज व्हाट अलॉट ऑफ ग्रेटर द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द inland transport in the country, but problems are these one what I mentioned earlier, what I mentioned earlier. उसके बाद में जब कभी आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्रिएट करते हैं, है ना, रिवर्स पर,
तो एक्चुअली क्या है कि ये कंपेरेटिवली मोर इको फ्रेंडली होता है, इट इज मोर इको फ्रेंडली देन रोड्स। रोड्स पर जो हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं, रोड्स जो क्रिएट कर रहे हैं, उससे ज्यादा इको फ्रेंडली नहीं होगा क्या? रिवर कंटिन्यूअस फ्लो करता रहेगा, वाटर के ऊपर से ही तो आपको सब कुछ जाना है, जो शिप चलना है, कार्गो रन करना है, किस पे चलना है? वाटर पे। तो देर इज नो इश्यू, नो प्रॉब्लम। एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया और इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है एयर ट्रांसपोर्ट का। हाँ राइट, द इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो ये है, इन एनी कंट्री, इट कैन बी कंसिडर्ड एज द सेफेस्ट। एयर ट्रांसपोर्ट कैन बी कंसिडर्ड एज, एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड एज वॉट? सेफेस्ट जर्नी। एयर ट्रांसपोर्टेशन क्या है बेटा? सेफेस्ट जर्नी है। सेफेस्ट जर्नी फर्स्ट पॉइंट, सेफेस्ट जर्नी है। सेकंड पॉइंट, इट सेव्स आवर टाइम। कैन बी यूज्ड, सेव्स आवर टाइम, सेफेस्ट हो गया। देखिए दोबारा बताता हूं, नंबर वन सेफेस्ट ट्रांसपोर्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड कैन बी यूज्ड इन इमरजेंसी, थर्ड इट कैन फ्लाई इन द रीजन्स ऑफ लॉफ्टी माउंटेन्स। एज वेल एज ओवर डीप ओशियंस। डीप ओशियंस में इसको हम क्या कर सकते हैं? ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक स्टूडेंट ने हमारे बताया है कि सेव टाइम है ना, टाइम को सेव करता है, एंड टाइम इज मनी। कैन बी यूज्ड इन व्हाट? इमरजेंसी केसेस, है ना। एंड मैक्सिमम इंटरनेशनल माइग्रेशन, लिसन वेरी केयरफुली, मैक्सिमम इंटरनेशनल माइग्रेशन टेक्स प्लेस थ्रू, मैक्सिमम इंटरनेशनल माइग्रेशन टेक्स प्लेस थ्रू टू वॉट? एयरबेस। एयर ट्रांसपोर्ट इज एन इंपॉर्टेंट एनेबलर टू अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट इज एन इंपॉर्टेंट एनेबलर टू अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को अचीव कराने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एज इट सेव्स आवर टाइम एंड प्रोवाइड्स द इमरजेंसी सर्विसेस। एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट्स इंटीग्रेशन इन टू द ग्लोबल इकोनॉमी एंड प्रोवाइड्स वाइटल कनेक्टिविटी। भाई ग्लोबल इकोनॉमी में ज्यादातर सी रूट्स का रोल होगा। किसका रोल होगा बेटा? सी रूट्स का, है ना, ग्लोबल इकोनॉमी को लिंक करने में, जो क्योंकि जो कार्गो शिप है उसी से शिप के थ्रू आता है। लेकिन भाई जो मीटिंग्स हैं, इंटरनेशनल मीटिंग्स जो है वो तो
रूट से ही होगी ना. एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट्स इंटीग्रेशन इनटू द व्हाट ग्लोबल इकोनॉमी एंड प्रोवाइड्स वाइटल कनेक्टिविटी ऑन अ नेशनल रीजनल एंड इंटरनेशनल स्केल. नेशनल रीजनल एंड व्हाट इंटरनेशनल स्केल इट हेल्प्स जनरेट ट्रेड प्रमोट टूरिज्म एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलता है. हाई लेवल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आर प्रोवाइडेड थ्रू द एयर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर इंडिया में देखें कि भैया लेह जाना है कॉस्टली तो होगा लेकिन बहुत इजी है. दिल्ली से जाना हो, चेन्नई से जाना है आपको, है ना, बेंगलुरु से जाना है, बेलारी से जाना है, कहीं से भी अगर आपको लेह जाना है विच इज द वर्ल्ड वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस, बहुत ही इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस होता है समर्स के लिए. इस बार तो निकल गया, नहीं जा सका, कोई भी ना जा सकते ड्यू टू कोरोना, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हैविंग द ग्रेट सीनिक ब्यूटी. लेह की अगर बात करते हैं, लेह लद्दाख का, वहां पर आप फ्लाइट से इजिली पहुंच सकते हैं और अगर ट्रेन का रूट लेते हैं, बसेस का हेल्प लेते हैं, तो बहुत सारे टुकड़ों में आपको जाना होगा. राइट, सो टू एनी प्लेस फ्रॉम लेह टू एनी अदर प्लेस, और इफ यू वॉन्ट टू मूव फ्रॉम ईटानगर, सपोज करो ईटानगर या डिब्रूगढ़ हो गया, है ना, डिब्रूगढ़ से आपको सपोज करिए जाना है पोरबंदर गुजरात, आप यहां से यहां तक मैक्सिमम 3 आवर्स से पहुंच सकते हैं. अराउंड 3000 किलोमीटर डिस्टेंस कैन बी ट्रेवल्ड विद इन 3 आवर्स. 3 आवर्स में आप इसको ट्रेवल कर सकते हैं. अगर टू पार्ट्स में गए, पहले कोलकाता फिर कोलकाता से आप पोरबंदर जाना चाहते हैं, तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा. इट मींस वेरी गुड, यू आर फ्रॉम JNK, सो यू वुड बी इजीली अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एयरवेज. एयर नेटवर्क को आप बहुत आसानी से समझ रहे होंगे. यू वुड बी गेटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द एयर. एयर नेटवर्क को हम लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है. नाउ वी कम टू द सी ट्रांसपोर्टेशन. सी ट्रांसपोर्टेशन में इट हेल्प्स मैक्सिमम इन इंटरनेशनल ट्रेड. इट हेल्प्स मैक्सिमम इन व्हाट इंटरनेशनल ट्रेड मींस सी रूट ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प्स मैक्सिमम इन द व्हाट इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड में मैक्सिमम हेल्प करेगा. सी फ्रेट इज द व्हाट मोस्ट, ये पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है. सी फ्रेट इज द व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड. Sea freight is the what most important means of the transport in the world. बहुत सस्ता भी है बेटा, है ना, बहुत चीपर है, सेफ भी है ना. और अगर सपोज करो किसी को इंडिया से सपोज ट्रेड करना है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, तो यूनाइटेड स्टेट्स तक तो रेल तो बन नहीं सकती है. Neither the rail nor the buses nor the trucks. और रेलवेज तो यूजलेस हो गया. एयरवेज हो सकता है और उतना गुड्स को कैरी करने में बहुत कॉस्ट आ जाएगी उसको. इसलिए इंडिया से US के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, द चीपर एज वेल एज द बेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सी रूट्स से एक बेनिफिट और भी है कि यहाँ पर आपको कोई रोड्स या रेल क्रिएट नहीं करना है. नो नीड टू क्रिएट रेल और रोड, है ना, रोड और रेल क्रिएट नहीं करना है जिसमें बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है. कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेटा यहाँ पर बहुत ज्यादा लगता है, तो वो चीज आपको यहाँ रोड के क्रिएशन में नहीं खर्चा करना है. एंड वेन एवर यू क्रिएट द वॉट रोड्स और द रेल ट्रैक्स, इट ऑल्सो हार्म्स द इन्वायरमेंटल पॉइंट. इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी हार्मफुल, है ना. और लेकिन ओशियन में हमें कहीं ऐसा ना तो टारकोल को बर्न करना है, ना वुडन सिस्टम को बर्न करना है, नीदर देर इज नीड ऑफ वॉट डिफॉरेस्टेशन. आपको डिफॉरेस्टेशन भी नहीं करना है. In such circumstances, sea transportation is healthier for the point of view of environment, money, rate of the transportation, etc. है ना, और loss भी कम होता है, कोई international issues नहीं create होते हैं, है ना. नहीं तो इंडिया से अगर सपोज करो US जाना है, इनकेस अगर सपोज करिए एक ब्रिज बना देते हैं अटलांटिक ओशियन पे, एक ब्रिज बनाते हैं,
उससे पहले क्या पार करना होगा आपको, इंडिया से निकल के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वेस्ट एशिया में आप जाएंगे इधर अफगानिस्तान, उसके बाद में ईरान, इराक, है ना, सऊदी अरब से होते हुए इधर मेडिटेरेनियन के ऊपर से यूरोप से निकल जाओ तो इधर से अफ्रीका से आपको जाना होगा, किसी रूट से निकल जाएंगे इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, वेरी हार्ड टू ट्रेवल इन दोज एरिया. सो सी ट्रांसपोर्ट्स बिकम वॉट वेरी चीपर एज वेल एज कन्वीनियंट फॉर द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. सी फ्रेट इज द वॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड to present at present time and became one of the best and fastest means of the transport for the trade point of view. Water transport allows us to transport goods to water to the other areas using the ship, boats or any other means of the travel through the water. कोई और भी तरीका अपना सकते हैं जो कि water के through चल सकता है. India में देखेंगे तो यहाँ पर मुंड्रा है, ओखा है, पोरबंदर है, ठीक है, वेरावाल है, भावनगर, कांडला, ये सभी जो हजीरा है, ये सभी आपको जो रीजन दिखाई दे रहे हैं, रत्नागिरी, ये सभी क्या है, ट्रांसपोर्ट का साइड है. पणजी गोवा में, मंगलुरु, पायपोर, कोझिकोडे, ठीक है, कोची हो जाता है, टूटीकोरिन, ये सभी क्या है, हमारे सी पोर्ट्स हैं. दीज आर द व्हाट सी पोर्ट्स ऑफ द कंट्री इंडिया, पोर्ट ब्लेयर एंड कार निकोबार इन द आइलैंड रीजन. रोल ऑफ पाइपलाइन इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में पाइपलाइन का क्या रोल है, पाइपलाइन समझते होंगे ना, जिससे हमें क्या करना, ऑयल एज वेल एज ऑयल एंड गैस को ट्रांसपोर्ट करके ले जाना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट. Pipeline transport network is a new arrival on the transportation map of the India. Pipeline transport network is a new arrival on the transportation map of the India. In the past, these were used to transport water, है ना, water to cities and the industries. पहले water ही सिर्फ transport किया जाता था, आज के date में gas pipeline भी है और oil pipeline भी है. गैस पाइपलाइन एज वेल एज ऑयल पाइपलाइन भी एग्जिस्ट करता है. नाउ दीज आर यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड द नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड द नेचुरल गैस फील्ड्स ऑफ द रिफाइनरीज. रिफाइनरीज से हमें ऑयल, नेचुरल गैस और उसके साथ में ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो अदर है, उन सभी को ट्रांसपोर्ट करने में पाइपलाइन का यूज किया जाता है. एंड बिग थर्मल पावर प्लांट्स, इनिशियल कॉस्ट ऑफ द लेइंग पाइपलाइन इज हाई, हाई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर. जैसे स्प्रिंकलर इरिगेशन को यूज करते हैं हम तो हाई कॉस्ट वहां पर यूज करना होता है, हैवी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है. इस तरह से पाइपलाइन भी हैवी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है ना, देयर इज हाई कॉस्ट रिक्वायरमेंट है ना, हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर इन केस ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन इज हाई बट सबसिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर द व्हाट मिनिमल, मिनिमल मतलब सबसे कम है. इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेस एंड डिलेज, जो डिले होने वाली बात है ट्रांसशिपमेंट्स का, वो सभी चीजें यहाँ खत्म हो जाएगा. मेजर पाइपलाइंस ऑफ इंडिया की अगर बात करें, देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इन द कंट्री. मेजर की बात कर रहे हैं, फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर उत्तर प्रदेश वाया गुवाहाटी, बरौनी, अलाहाबाद, है ना. तो गुवाहाटी, बरौनी, अलाहाबाद के रास्ते कानपुर, है ना, उत्तर प्रदेश तक ये पहुंचता है ना, कानपुर के बाद अलाहाबाद भी आगे जाता है. सेकेंड है फ्रॉम तलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब, गुजरात से पंजाब तक वाया व्हाट, विरामगम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत. थर्ड वन इज द गैस पाइपलाइन फ्रॉम द हजीरा इन गुजरात, कनेक्ट्स व्हाट, जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश वाया विजयपुर ऑफ मध्य प्रदेश. तो इस तरह से हमारा ये पाइपलाइंस हो जाती हैं और हमारा टॉपिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कंप्लीट होता है. लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी. लाइक वीडियो, शेयर वीडियोज एंड सब्सक्राइब द चैनल.
चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। यूज माय डिस्काउंट कोड SNT1 डिस्काउंट कोड यूज करिए प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट कोड SNT1 यूज करिए, इससे आपको 10% का रिबेट मिलेगा, 10% का रिबेट मिलेगा। थैंक्स टू ऑल यू टू रिमेन विद मी, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम।